हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी मीडियम की मैथ की प्रश्नावली 9.3, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। यहाँ पे हमें जो ये व्यंजक दे रखे हैं युग्म में, यानी कि ये पेयर में जो दे रखे हैं, युग्म है सारे, देखो दो दो दे रखे हैं सब में, और इनका हमें क्या करना है, गुणन करना है। ठीक है, तो जहां जहां पे कोमा है वहां पे हम क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे और इसका हम क्या करेंगे, गुणन। तो फर्स्ट हमारा पहला है 4p गुणा, ठीक है, यहाँ पे गुणा लगा दिया क्यू जमा आर। तो क्यू जमा आर को हमने ब्रैकेट में रखा क्योंकि हमने इन दोनों को गुणा करना है, तो हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया। तो जो 4p है, 4p है, उसको पहले हम क्यू से गुणा करेंगे, फिर उसको हम आर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यू से गुणा किया, यहाँ पे हमने आर से किया, तो क्या आ गया 4pq और यहाँ पे 4pr गुणा करने के बाद। ठीक है, अब दूसरा जो है ab कोमा a-b है, तो ab को यहाँ पे हमने क्या करा, गुणा, और a-b का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे आ गया हमारा ये कोमा के अंदर, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट में आ गया ये ab गुणा ब्रैकेट a-b हो गया। तो ab को पहले हम a से गुणा करेंगे, फिर ab को हम b से गुणा करेंगे, तो ab गुणा a-ab गुणा b। तो इन दोनों को हम एक साथ गुणा करें, इनको दोनों गुणा किया तो क्या आ गया हमारा, देखो यहाँ पे भी a है यहाँ पे b है, तो a इन दोनों की पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, इनकी इन दोनों की घात क्या हो गई, इनका हमने जमा कर दिया, एक और एक दो हो गया, फिर हमारा b आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है ये दो जो हमारी b दे रखे हैं, इनकी घात क्या हो जाएगी, जमा, तो क्या आ जाएगा ab घात 2। तो इसको गुणा करने पर हमारा ये आ गया और इसको गुणा करने पर हमारा ये आ गया। तीसरे में a जमा b कोमा 7, a की घात 2 और b की घात भी 2 है, ए जमा बी ये हमारा ब्रैकेट में आ गया। अब इसको हम एक बार बी से और इसको एक बार हम ए से गुणा करेंगे, तो पहले ए से गुणा करेंगे जमा, फिर बी से गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पे ए की घात 2 है, यहाँ पे ए की घात 3 है, तो ए की घात क्या बन जाएगी, 3, और बी की घात 2 ही रहेगी और 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी बी की घात क्या है, 2 रे 3, और ए की घात 2 और 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा किया ये आया और इन दोनों को गुणा किया हमारा ये आया। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखें, तभी आपको ये सारे प्रश्न जो अच्छे से समझ में आ पाएंगे, क्योंकि उसमें सारा जो है बेसिक जो है समझा रखा है। यहाँ पे भी एक ही घात 2 है, -9 फिर कोमा 4 है। अब एक ही घात 2 और -9 को हमने ब्रैकेट में रख लिया, इनको अब दोनों से करेंगे, पहले ए से और फिर 9 से, पहले ए से किया फिर 9 से किया। एक ही घात यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों की घात जमा होकर 3 हो गया, 4 आ गया, -9 * 36 और ये आ गया। पांचवा है PQ जमा QR जमा RP और 0। अब देखो जहां पे जीरो होता है ना, वहां पे आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि अगर आप इन सबको आपस में जमा करोगे और यहाँ पे अगर 0 से गुणा करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में देखो हमें यहाँ पे एक सारणी दे रखी है जिसको हमने पूरा करना है, ये हमारी सारणी है, इसको हमने पूरा करना है। इसमें भी जो प्रथम व्यंजक को हमें द्वितीय व्यंजक से आपस में गुणा करके यहाँ पे हमें बताना है, इसका गुणनफल यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे जो हमें पहला व्यंजक जो दे रखा है वो है ए, और दूसरा व्यंजक है बी जमा सी जमा डी। तो ए को पहले बी से और फिर ए को सी से फिर ए को डी से गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लिया ए को बी से, ए को सी से, फिर ए को डी से। तो ए को बी से गुणा किया तो ए बी, ए को सी से गुणा किया तो ए सी, ए को डी से गुणा किया तो ए डी। सबके बीच में जमा का साइन है तो यहाँ पे भी सारे प्लस होंगे। अब यहां देखो x जमा y माइनस 5xy। अब इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया, तो 5xy को 5 से, 5xy को y से, 5xy को x से गुणा करना है। एक एक करके लिख लेंगे, पहले 5xy को x से, फिर 5xy को y से, फिर 5xy को 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5x, अब देखो पहले हमने जब इनको गुणा किया तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, तो x की घात 2 हो जाएगी, y अकेला है सिंगल, तो y और 5 का 5। अब देखो यहाँ पे y 2 है, y की घात 2 हो जाएगी, x और 5 का 5, 5 * 25, माइनस का 25 आएगा, xy। ठीक है, साइन का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, चिन्हों का ध्यान रखना है, कहाँ पे जमा कहाँ पे घटाएगा, अगर एक भी साइन गलत लग गया तो आपका सम गलत हो जाएगा। पी है देखो, अब पी को हम इससे भी गुणा करेंगे, पी को इससे भी, पी को इससे भी। तो पी को पहले हमने 6p की घात 2 से गुणा किया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाओ, फिर पी को 7p से, फिर प्लस का साइन तो प्लस लगाओ, फिर पी को 5 से। तो इन दोनों को गुणा किया तो हमारा ये आ गया, पी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पी 2 है तो पी की घात 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर है 2, सॉरी ये पी 2 है तो पी की घात 2 हो गई, यहाँ पे पी है, यहाँ पे 5 है तो 5p हो गया। पी को और 5 को गुणा किया तो 5p आ गया। ठीक है, ऐसे इसके जो है फोर्थ वाले में करेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो 4pq को जो पहले p से, फिर इसको हम q से करेंगे,
तो पहले यहाँ पे पी से और फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, फिर यहाँ पे क्यू से। अब देखो यहाँ पे पी कितने हो गए, दो पी, ये दो, दोनों पावर जमा होकर चार हो गई और क्यू की पावर दो रहेगी, चार का चार माइनस। अब देखो यहाँ पे पी की पावर क्या है, दो, और दोनों भी जो है क्यू क्या हो गए, जमा होकर चार हो गया, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, जो तीनों में जमा ए बी सी, अब ए जमा बी जमा सी गुणा ए बी सी, ए बी सी को ए से, ए बी सी को बी से, ए बी सी को सी से, ए बी सी को ए से, बी से, सी से। अब यहाँ पे दो ए हो गए, इनकी घात जमा होकर दो हो गई, बी सी आ गया, यहाँ पे दो बी है तो उन दोनों की घात जमा हो जाएगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दो बी आ गया यहाँ पे, मतलब बी की घात दो हो गई, ऐसे यहाँ पे दो सी है तो इन दोनों की घात जमा होकर दो हो जाएगी, तो ए बी सी की घात दो हो जाएगी। एक बार ए की घात दो हुई, एक बार बी की घात और एक बार सी की घात दो हो गई, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर दो, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न हमने कर लिया। आगे की वीडियो में इसके आगे के प्रश्न करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।